दोस्तों इसको हम लोगों ने नहला लिया है। और एक और जरूरी बात दोस्तों, हम लोग ना जब शैम्पू यूज करते हैं उसका एक तरीका होता है यूज करने का। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डॉग के शरीर पे हम लोग शैम्पू को डाल देते हैं और फिर उससे झाग बना के और फिर नहलाते हैं। असल में शैम्पू का यूज जो है ना, उसको हमें पहले मग में थोड़ा सा लेना है, फिर उसमें पानी मिक्स करना है, फिर डॉग के शरीर पे लगाना है ना, और फिर उसको उससे नहला देना है। और शैम्पू को इतने अच्छे से मतलब कि रगड़ो कि ना शैम्पू मतलब कि झाग निकलना बंद हो जाए इसके शरीर से, है ना। इतने अच्छे से शैम्पू को धोना है ना। शैम्पू अगर इसके शरीर पे थोड़ा सा रह गया तब वो स्किन प्रॉब्लम का हिस्सा बनता है ना, बाल झड़ना, रैशेज होना, है ना। तो दोस्तों भले थोड़ी देर का टाइम लगे, आधे घंटे लग जाए, लेकिन ना शैम्पू लगाने के बाद इतने अच्छे से इसको धोना है ना कि शैम्पू मतलब कि झाग निकलना बंद हो जाना चाहिए इसके शरीर से, है ना। तो ऐसे रखना है। और गर्मियों में इनको रेगुलर नहलाए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे इनको ही आराम मिलता है। और ये भी हाइजीन का ही वो है हिस्सा है ना, कुत्तों में ये लागू होता है। तो दोस्तों ऐसे ही अपने पेट का केयर करे, है ना। मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत जितना मेरे को आता है उतना ही जानकारी दे सकता हूँ, और कुछ नहीं कह सकता, है ना। थोड़ा ध्यान रखें इनका, हेल्थ एंड हाइजीन का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस टाटा बाय बाय। इसको मैंने अभी अभी नहलाया देखो, लेकिन अभी ना इसको छाए में इसलिए रखा है क्योंकि अभी गर्मी है ना। तो इसको मैंने पोंछ पाछ के वापस छाए में कर दिया ताकि थोड़े इसके शरीर में ठंडक रहे, इससे इसको राहत मिलेगी। ये हाँफेगा नहीं, इसके मुंह से वो थूक नहीं आएगा, है ना। हाँफते हैं तो वो आता है ना, तो वही अपने पर जो आता है वो सब नहीं आएगा, है ना। और इसको अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको छाए में ही रखा है नहलाने के बाद ही। तो आप लोग भी ऐसे थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा ना, जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है ना वैसे इनको भी अच्छा लगता है ना, वैसा वैसा थोड़ा बहुत इनके साथ भी करे ना, इनका फूड का ध्यान रखे। तो दोस्तों अगली बार मैं फूड के बारे में भी जानकारी दूंगा, है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, है ना। ध्यान रखे अपना, अपने पशुओं का, है ना। तो टाटा बाय बाय दोस्तों।